नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब के सेशन में, और जिसका टॉपिक का नाम होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ मोल। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मोल को कैसे निकालते हैं, मोल के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और मोलर मास से कैसे रिलेट किया था हमने, और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, तो इस वाले सेशन में क्या होने वाला, मैं आपको बेसिकली बता दूं कि पिछला जो लेक्चर आपने देखा है, नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि बिना उस लेक्चर के इस लेक्चर को समझ पाना थोड़ा सा टफ होगा, और जिन लोगों को आता है वो डायरेक्टली देख सकते हैं, नहीं तो मेरी यही सलाह है कि आप सबसे पहले उस टॉपिक को देखिएगा। जैसे मोल को मैंने समझाया है कि मोल क्या है, मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान से समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका पॉइंट्स रिवाइज करवा दूं कि मोल के हमने तीन फॉर्मूले बताया था। पहला फॉर्मूला था, जब मास गिवन होगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगाना था। दूसरा हमने बताया था, जब नंबर दे रखा होगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 × 10²³। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सिर्फ गैस के लिए यूज करेंगे, क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी कुछ भी बोले, डिवाइडेड बाई 22.4। मैंने एक चीज और बताई थी, नोट करने वाली बात, कि यहां पे वेट क्या होगा, ग्राम में होगा, यहां पे वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो संख्या होती ही है, तो इन्हीं फॉर्मूले की मदद से हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। और चलिए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नंबर 1.7, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो ले लेंगे बेटा, नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको प्रॉब्लम नंबर 1.7 क्या। बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑफ ऑफ अमोनिया अमोनिया को लिखते हैं NH3 ऑफ अमोनिया गैस इन ए वॉल्यूम ने वॉल्यूम 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इट मेजर्ड एट एसटीपी। देखिए, सबसे पहले क्या है ना, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन की सबसे पहली चीज क्या है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी कंडीशन पे, तो दिमाग में आता है यार मोल तो निकाल लेंगे अपन, ठीक है, लेकिन मोलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि कुछ भी गिवन हो, कुछ भी पूछे, हमेशा किसकी तरफ जाएंगे, हम हमेशा मोल की तरफ जाएंगे, हम हमेशा, हमारी प्रियोरिटी होगी हमेशा किसकी तरफ, हम हमेशा मोल निकालेंगे, क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मैंने आपको 11th में इसी चैप्टर में मैंने बताया था कि एक डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है एक लीटर, तो जहां भी डेसीमीटर क्यूब देगा वहां क्या लगा सकते हो आप, लीटर लगा सकते हो, या फिर जहां लीटर दिया हो वहां डेसीमीटर क्यूब लगा सकते हो, दोनों यूनिट सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना गिवन है, ध्यान समझिएगा, तो वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन की बात करें, यहां से सॉल्यूशन की बात करें तो भैया समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस कितना दे रखा भैया, 67.2 डेसीमीटर क्यूब या लीटर, ठीक है। तो हमने कहा नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो हमने कहा नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो 67.2 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 22.4 कर दो, क्या कर दो,
22.4 कर दो, और जिसको आप काटोगे तो कितना आएगा, 3 मोल आएगा। क्या आएगा? 3 मोल आएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छी बात है, समझ में आ रही है। आपने कहा चलो भाई ये वाला लॉजिक तो क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछा मैंने, मैंने कहा एक मोल NH3 अगर आपके पास होगा तो क्या 6.022 × 10²³ मोलिक्यूल्स NH3 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 होगा। ठीक है, तो तुमने कहा कि एक मोल NH3 है, एक मोल NH3 में अगर 6.022 × 10²³ मोलिक्यूल्स हो रहे हैं तो 3 मोल में कितने होने चाहिए? तो 3 मोल में क्या 3 टाइम्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मोल 3 × 6.022 × 10²³ मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 होने चाहिए। अरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। चलो उसके बाद इसी के नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है, ट्राई दिस करके। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाइड बाई 60 ग्राम इन एट STP। तो देख मेरे भाई, बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। करना क्या है ध्यान से समझिएगा। देखो एथेन की बात कर रहा ना, तो एथेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते लेते हैं। ये होता है CH3। अगर तुम इसके मोलकुलर वेट की बात करोगे ना भैया, 12, 3, 15, 15, 15, 30, इसका मोलकुलर वेट निकालो, इसका मोलकुलर मास निकालोगे तो ध्यान समझो कितना आएगा, 12 + 3 × 1 + 12 + 3 × 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कह रहा है कि STP पे वॉल्यूम निकालना है इस गैस का जब ये 60 ग्राम NTP दे रखा। तो मैंने कहा कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले जो दिया होगा उससे क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। समझे मेरे भाई, क्या निकालना है, मोल निकालना है। और आपने कहा मोल तो हमने निकाल लिया है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला हम लगाएंगे। मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, मोलर मास कितना हो जाएगा, 30 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो मोल यहां पे क्या निकल के आएगा, मोल आएगा क्या, 60 तो वेट गिवन है ना, डिवाइडेड बाई 30, कितना आ गया, 2 मोल आ गया। कितना आ गया, 2 मोल आ गया। तो चलो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यहां भी बताता हूं कि अगर एक मोल कोई भी सब्सटेंस है, एक मोल आपने इथेन ले लिया, मान लो एक मोल आपने इथेन गैस ले लिया एट STP, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 dm³ होगा या 22.4 L होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक मोल किसी भी सब्सटेंस गैस का STP पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 L या 22.4 dm³। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। मोल कितना अपने पास, 2 मोल है। तो बताओ भाई, 2 मोल इथेन का वॉल्यूम कितना होगा, क्या 2 × 22.4 या मैं बोलू 44.8 dm³ होगा कि नहीं होगा? तू ही बोल भाई मेरे, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रही बात? चलो आगे समझते हैं कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस को, और कैसे करेंगे उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा C6H12O6, ये ना ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, मैंने बोला कि एक मोलक्यूल C6H12O6 दिया है, तो अभी अपने को एटम के बारे में जानकारी लेनी है, तो क्या बोल सकते हो, बोल सकते हो कि क्या 6 एटम ऑफ कार्बन होगा, या ऐसे बोलूं 6 कार्बन एटम होगा। एक मोलिक्यूल अगर ग्लूकोज है अपने पास, ध्यान समझना, तो सोचो एक मोलिक्यूल है, मतलब सिर्फ एक ही मोलिक्यूल है, मोल नहीं लगाया मैंने,
एक ही मॉलिक्यूल में क्या 6 कार्बन एटम मिलके बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? बिल्कुल बनाया होगा, 6 कार्बन एटम मिलके। आप बोल सकते हो कि 12 हाइड्रोजन एटम मिलके बनाया होगा, या बोल सकते हो 6 ऑक्सीजन एटम होगा। अगर मैं बोलूं कि एक मॉलिक्यूल अपने पास ग्लूकोज है, इसमें कितने कार्बन एटम होंगे, तो 6 कार्बन एटम होगा, 12 हाइड्रोजन एटम होगा और 6 ऑक्सीजन एटम होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल। अगर ये बात समझ में आई तो फिर मजा आने वाला है। देखिए जरा किस प्रकार से, जैसे मैंने बोला कि अपने पास 3 मॉलिक्यूल C6H12O6 है, तो अपने पास अब मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है मेरे भाई? 3 है। अब यहां पे कार्बन बताना है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? क्या 3 × 6 कार्बन एटम होगा कि नहीं होगा? अरे भाई एक मॉलिक्यूल में 6 है, तो 3 मॉलिक्यूल में क्या 3 क्या 3 मॉलिक्यूल में 3 × 6 कार्बन एटम होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी प्रकार अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो क्या 3 × 12 हाइड्रोजन एटम होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? अगर एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 मॉलिक्यूल में क्या 12 × 3 = 36 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इसी प्रकार 3 × 6 ऑक्सीजन एटम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तुम ही सोच के बताओ, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। बात समझ में आई? एकदम सिंपल सी चीज है। चलो आगे बढ़ता। मान लो किसी ने कहा कि मेरे पास एक मोल C6H12O6 आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो भैया मेरे, इसका मतलब है कि एक मोल ग्लूकोज है, ध्यान समझिएगा, तो एक मोल ग्लूकोज के अंदर क्या 6 मोल कार्बन एटम होगा, क्या 12 मोल हाइड्रोजन एटम होगा, क्या 6 मोल ऑक्सीजन एटम होगा? अरे होगा कि नहीं मैं भाई? होगा, बिल्कुल। देखिएगा तो लिखूंगा मैं, 6 मोल कार्बन एटम होगा और 12 मोल हाइड्रोजन एटम होगा और 6 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? किसी बच्चे के दिमाग में ख्याल आया कि सर ये बातें क्या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या? देखिएगा किस प्रकार से। आपने कहा कि एक मोल अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो बोल सकता हूं कि मेरे पास Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। बोल सकता हूं कि मेरे पास 6.022 × 10²³ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सारी चीज एकदम चकाचक क्लियर है। तो आपने कहा कि सर ये 6 मोल कार्बन एटम को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 6 × 6.022 × 10²³ कार्बन एटम होगा? बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 × Na की वैल्यू 6.022 × 10²³ होती है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्या क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। आइए बात करते हैं 12 मोल हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब हो गया 12 × 6.022 × 10²³ हाइड्रोजन एटम। अरे क्लियर है? फिर आगे लिख सकता हूं क्या, 6 × 6.022 × 10²³ ऑक्सीजन एटम। क्या दोनों चीज सेम है कि अलग अलग है? दोनों चीज सेम है भाई मेरे, इसमें मोल लिखा हुआ है, उसमें मोल को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। क्लियर है बात? क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है? आ रही है तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला, ध्यान समझिएगा मेरे भाई, मैंने आपसे बोला कि अपने पास एक सैंपल है 18 ग्राम ग्लूकोज का। किसका? 18 ग्राम ग्लूकोज का। और आपसे पूछ रहा हूं मैं कि मोल बताओ क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं कि मॉलिक्यूल बताओ क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे एटम्स बताओ क्या होगा। तो देखिएगा कैसे बताऊंगा मैं। सबसे पहले ना, जो सैंपल दे रखा है, कुछ भी पूछे, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? मेरे अकॉर्डिंग क्या निकालोगे तुम? मोल निकालोगे। क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। तो मोल कैसे निकालोगे मेरे भाई? इधर देखो, मोल आएगा गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई?
तो मोल इक्वल टू क्या हो गया 18 डिवाइडेड बाई मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज बोले तो कितना C6H12O6। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। 18 डिवाइडेड बाई 180 करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1/10 आएगा, और 1/10 का मतलब हो गया 0.1 मोल। क्या हो गया? 0.1 मोल। क्लियर है? अब 0.1 मोल आया तो ध्यान समझो, नंबर ऑफ मोल तो 0.1 आ गया, मोलिक्यूल्स कितना आएगा? क्या 0.1 × 6.022 × 10^23 मोलिक्यूल्स होगा ग्लूकोज का कि नहीं? अब तुम ही सोच के बताओ ना, अगर इसका मोल पता चल गया है, अपने को मोलिक्यूल्स निकालना है, तो क्या एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना। पूछ रहा है टोटल एटम्स, एक नाम यहां जोड़ लीजिएगा, टोटल एटम्स। अब सोचो जरा, एक ग्लूकोज होता, एक मोलिक्यूल होता ग्लूकोज का, तो 6 कार्बन के 12 इसके 6 उसके, क्या 24 एटम होता? अरे होता कि नहीं होता? 24 एटम होता ना। तो यहां पे मल्टीप्लाई किसका करने वाले हो तुम? यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 24 × कितना मोलिक्यूल है मेरे भाई, 0.1 × 6.022 × 10^23 एटम्स होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, होगा। अगर आपसे कोई पूछे नहीं मेरे को तो कार्बन एटम्स चाहिए मेरे भाई, इधर देखो, अगर मोलिक्यूल्स आ गया है, मोलिक्यूल्स तो इतना आया है ना अपने पास, तो एक मोलिक्यूल्स में 6 कार्बन एटम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 6 × 0.1 × 6.022 × 10^23 कार्बन एटम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मेरे भाई? किसी ने बोला कि नहीं मेरे को तो हाइड्रोजन एटम चाहिए, ध्यान समझिए, मेरे को तो हाइड्रोजन एटम चाहिए। मोलिक्यूल आ गया अपने पास, कितना आया है 0.1 × 6.022 × 10^23। अपन जानते हैं कि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम 12 हाइड्रोजन एटम 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम की बात करेगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखूंगा मैं 12 × 0.1 × 6.022 × 10^23। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? होना चाहिए यही ना, बिल्कुल होना चाहिए। इसी पर अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने पास आ गया, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 6 से। किससे करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए अब ना क्वेश्चन में पूछता कैसे, देखो तुम्हें पहले एक चीज बताता हूं मैं, देखो ये मैंने बताई थी ना बीच में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, बोला था कि नहीं बोला था, एक्स ए जेड। कोई अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरे भाई जेड, क्लियर है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, ए माइनस जेड, ठीक है? क्लियर है? अगर मैं आपको दूं कि 6C12 है अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन कितना मेरे भाई, 6, प्रोटॉन कितना मेरे भाई, 6, न्यूट्रॉन कितना मेरे भाई, 12 − 6 = 6। क्लियर है? जैसे मैं ऑक्सीजन बोलूं तो मैं लिखूंगा 8, 16, तो इलेक्ट्रॉन कितना मेरे भाई, 8, प्रोटॉन कितना मेरे भाई, 8, न्यूट्रॉन कितना, 16 − 8 = 8। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो इसी प्रकार मैंने दिया, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है? तो देखियो जरा, ध्यान से समझियो, इलेक्ट्रॉन कितना, 1, प्रोटॉन कितना, 1, जेड तो एक ही है ना, न्यूट्रॉन कितना, 1 − 1 = 0, ठीक है? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? इलेक्ट्रॉन कितना, 1, प्रोटॉन कितना, 1, न्यूट्रॉन कितना, 2 − 1 = 1, समझ में आया? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन कितना, 1, प्रोटॉन कितना, 1, न्यूट्रॉन कितना, ये लिख कैसे रहा हूं? अरे भाई अगर आपको पता चल गया है इसका z कितना है, इसका a कितना है, तो क्या आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये इसका आंसर कितना होने वाला है? अरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड के बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड के बराबर है, सिंबल दे रखा है, तू पता है ऊपर
जो होगा बड़ी संख्या होगी जिसे हम ए बोलेंगे, नीचे छोटी संख्या होगी जिसे हम जेड बोलेंगे। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड से निकालोगे। तो समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, निकाल लोगे, निकाल लोगे, तुमने कहा निकाल लेंगे, तो चलो मैं देखता हूं निकाल लोगे कि नहीं। मैंने लिखा ओ एच माइनस एच टू ओ, ओ माइनस टू, ओ माइनस टू, एन थ्री माइनस। सभी में बताना है मेरे को इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, देखते हैं कौन बता पाता है। ध्यान समझिए, इलेक्ट्रॉन कितना भाई मेरे, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन भैया, देखो ऑक्सीजन होते हैं आठ प्लस हाइड्रोजन में कितने होते हैं एक, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, ये जो माइनस चार्ज शो कर रहा है इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, तो यहां लिख दिया मैंने एक, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई 10, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन कितना आया है कितना गया है, प्रोटॉन तो जितने भैया वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में जो रहने वाले कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन में आठ प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में एक है, तो इसका आंसर आया प्रोटॉन कितना आया भाई मेरे, 9 आया। न्यूट्रॉन की बात करो तो न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में कितने हैं 8, हाइड्रोजन में कितने हैं 0, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आई 8 आई। यहां से 8 हो गया न्यूट्रॉन, 9 हो गया प्रोटॉन, 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या आपकी सोच से परे था कि नहीं परे था, बिल्कुल। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स के, ध्यान समझना, तो दो गुड़े एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दो हाइड्रोजन है तो दो गुड़े एक करूंगा, साथ ही ऑक्सीजन में अपने पास पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया मेरे, 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। प्रोटॉन निकालो जरा कितना आने वाला है बताओ मेरे को कैलकुलेट करके। अरे प्रोटॉन कितना होने वाला है मेरे भाई, प्रोटॉन कैसे निकालोगे, प्रोटॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, हाइड्रोजन कितने होते हैं 2, एक। अरे यार एक गुड़े दो करोगे दो नहीं आएगा, तो दो गुड़े एक प्लस 8, तो प्रोटॉन की वैल्यू भी हो गई 10। प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो गई 10। बहुत टाइट। तो न्यूट्रॉन की बात करो जरा समझो, न्यूट्रॉन की बात जब करोगे ना, हाइड्रोजन में भैया देखो मेरे, हाइड्रोजन में तो 0 न्यूट्रॉन है लेकिन ऑक्सीजन में 8 है, यहां से न्यूट्रॉन निकल के आएगा 8, न्यूट्रॉन तो 8 हो गया, प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। एक बात समझ लो, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब जिसपे चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी, डिफरेंट क्या होगा न्यूट्रॉन में भी डिफरेंट हो सकता है, कम हो सकता है ज्यादा। जैसे मैं बोलूं ओ माइनस टू, तो इलेक्ट्रॉन कितना मेरे भाई, ऑक्सीजन में तो 8 होता ही है, साथ ही साथ 2 और आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 10 हो गई। प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में कोई चेंज होने वाला नहीं है, 8 है। न्यूट्रॉन की बात करो तो ऑक्सीजन क्या होता है 8O16 होता है, तो 16 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। जैसे तुमने लिखा कि नाइट्रोजन N3 माइनस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक नाइट्रोजन कैसे होता है 7N14 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 40 माइनस 7 इक्वल टू 7। अरे समझे कि नहीं समझे, तो अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, एक नाइट्रोजन में 7, तीन नाइट्रोजन में 7 × 3 + 1। अरे ये जो माइनस चार्ज बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या 22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 22 होगा ना। प्रोटॉन की वैल्यू देखो भैया, प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी 7³ हो जाएगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी 7³ हो जाएगा। अरे एक नाइट्रोजन में 7 है तो तीन नाइट्रोजन में क्या 21 होंगे कि नहीं होंगे, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अरे आया कि नहीं आया मेरे भाई, देखो C6H12O6 क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन, नहीं पता तो मैं लिख दूं इधर देखो 6C12, इलेक्ट्रॉन कितने मेरे भाई 6, प्रोटॉन कितने मेरे भाई 6, न्यूट्रॉन कितना मेरे भाई 12 − 6 = 6, ठीक है 8O16, इलेक्ट्रॉन कितना मेरे भाई 8, प्रोटॉन कितना मेरे भाई 8, न्यूट्रॉन कितना मेरे भाई 8। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1 लेते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक होगा, प्रोटॉन एक होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा। अरे समझे कि नहीं समझे, अब तुम ही बताओ जरा, अब तुम ही बताओ
कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ग्लूकोज का निकालना है तो कितना निकालोगे, देखो एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो 6 है तो 6 गुणे 6 लिखूंगा, प्लस एक हाइड्रोजन में कितना होता है 1, तो 1 गुणे 12 लिखूंगा, प्लस एक ऑक्सीजन में होता है 8, तो क्या लिखूंगा, 8 गुणे 6 लिखूंगा, अरे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भाई, तो क्या जाएगा 36 प्लस 12 प्लस 48, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मेरे भाई, 96, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 96। इसी प्रकार अगर प्रोटॉन निकालोगे, ध्यान समझो, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है कार्बन में, 6 गुणे 6, प्लस हाइड्रोजन में भी एक होता है तो 12 गुणे 1, प्लस 12 एटम है ना, और कितने एटम है, 6, तो 6 गुणे 8, तो कितना हो गया, प्रोटॉन भी हो गया 96, प्रोटॉन भी क्या हो गया 96, 6 6 36, 36 12 48, और 8 6 48, 48 48 कितना हो गया बेटा, 96 हो गया, कितना हो गया, 96 हो गया। रही बात अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना, ध्यान समझो, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो एक कार्बन में तो 6 गुणे 6 हो गया, प्लस 12 गुणे 0 भाई, प्लस 8 गुणे 6, समझे मेरे भाई, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, 84 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया 84, 6 6 36, 48 48 36 कितना होता है बेटा, 84, कितना होता है 84, समझ में आया, समझ में आया। इसको पढ़ने का मकसद क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अरे समझे कि नहीं समझे, समझ गए, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे देखा कि 3.6 ग्राम, ध्यान समझियो, C6H12O6, 3.6 ग्राम C6H12O6। अब मैं यहां पे चेंज भी कर सकता हूं, बट ठीक है मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं सिखाना चाह रहा हूं, क्या पूछेगा, मोल पूछेगा, ठीक है। मोल कैसे निकालोगे, 3.6 डिवाइडेड बाय 180 और करोगे तो आएगा 1/20 और हो जाएगा 0.05 मोल। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, फॉर्मूला बताया हुआ मैंने। मोलिक्यूल्स निकालोगे मेरे भाई, तो मोलिक्यूल्स क्या आएगा, क्या 0.05 इंटू NA मोलिक्यूल्स आएगा कि नहीं आएगा, तुम ही बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। टोटल एटम की बात जब करोगे, देखो टोटल एटम्स की बात करोगे, सुनो जरा, टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 12 दूनी 24 एटम है ना, 6 6 12 18 6 24, तो क्या लिखूंगा मैं, 24 गुणे 0.05 इंटू NA एटम्स होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो ना। अगर मैं कार्बन एटम की बात करूं तो समझो जरा, मोलिक्यूल्स कितने हैं, इतने मोलिक्यूल्स हैं, उसमें मल्टीप्लाई किसका करूंगा, 6 का करूंगा ना, तो लिखूंगा मैं 6 × 0.05 इंटू NA कार्बन एटम, समझे कि नहीं समझे। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो क्या लिखने वाला हूं, देखिएगा जरा, 12 × 0.05 इंटू NA, समझे कि नहीं समझे भाई, समझे ना, कुछ भी नहीं है इसमें, बस फिक्स पैटर्न है, क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, लेवल कितना भी हो, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है बेटा जो कर रहे हो, ये अपने आप में 10 क्वेश्चन रखता है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है, छठवां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो सोचो जरा कितने मोलिक्यूल्स हैं, एक मोलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन है, तो क्या 6 × 0.05 इंटू NA ऑक्सीजन एटम होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे ना होंगे। तो आइए देखिए सातवां क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो मेरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अभी हमने कैलकुलेट किया है कि एक मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 96 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या लिख दूंगा, 96 × 0.05 NA इलेक्ट्रॉन होगा। आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने प्रोटॉन होगा, 96 × 0.05 NA प्रोटॉन होगा। रही बात न्यूट्रॉन की, क्वेश्चन नंबर 9th, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, क्या जाएगा 84 × 0.05 NA, और आप कहोगे 84 कैसे, देखो मेरे भाई न्यूट्रॉन निकाला हुआ है, एक मोलिक्यूल्स के लिए 84 है, और ये एक ही मोलिक्यूल्स है ना, अरे भाई मेरे ये एक मोलिक्यूल था, एक ही मोलिक्यूल में हम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 96, प्रोटॉन 96, न्यूट्रॉन कितना 84, क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1,
4.9 ग्राम H2SO4, क्वेश्चन नंबर टू 9.8 ग्राम H3PO4, क्वेश्चन नंबर थ्री 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्वेश्चन नंबर फोर 3.42 ग्राम C12H22O11, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ग्राम यूरिया, क्या हो गया 6 ग्राम यूरिया, इनके सभी क्या निकालने, ध्यान समझना मेरे भाई, सबसे पहले क्या निकालना है, मोल निकालना है, फिर मोलक्यूल निकालना है, फिर एटम निकालना है, फिर अलग अलग एटम निकालने हैं, जैसे किसी में कार्बन है तो कार्बन एटम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सल्फर है सल्फर, कैल्शियम है कैल्शियम, मतलब जो भी एटम्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, प्रोटॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन्स निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, तो ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन की तोड़ के आ, ध्यान समझो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ भी दिया हो कुछ भी पूछ रहा हो सबसे पहले मोल में चेंज करेंगे, और अपन जानते हैं, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, सुनो मेरे भाई, अगर किसी ने कहा ना कि एक मोल, अगर किसी ने कहा कि एक मोल ए है तो ध्यान समझो, ए मोल ए है, इसका मतलब, इसका तीन मतलब हो गया मेरे भाई, क्या इसका मतलब 6.022 × 10³ जिसे हम एन ए भी करते हैं, इतना मोलिक्यूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल या एटम हो जाएगा, डिपेंड करता है एटम क्या है, अगर ए एटम है तो एटम लिख दूंगा, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल लिख दूंगा, ठीक है। दूसरी बात क्या समझ में आता है कि अगर इसका मोलर मास एक्स है, इसका मोलर मास कितना है एक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स ग्राम कितना होगा, एक मोल का वेट कितना हो जाएगा, एक्स ग्राम होगा, उसके मोलर मास के बराबर होता है, ध्यान समझिएगा, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है, और मोलर मास को मैंने बताया था कि एटम होगा तो एटॉमिक मास में ग्राम लगा दीजिएगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तीसरी बात क्या है कि 22.4 लीटर जिसे हम 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी बोले, यूनिट का खेल है भैया, एक लीटर बराबर एक डेसीमीटर क्यूब होता है, तो बोलेंगे कि कितना ए का कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, लेकिन कंडीशन भी बोलूंगा एट एसटीपी, किस पे होगा मेरे भाई, एसटीपी पे होगा, ठीक है। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो कैलकुलेशन आप मोल समझ में आया ना, चलो कुछ क्वेश्चन और मैं देता हूं। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान समझना, एटम्स निकालना मेरे भाई, मोलिक्यूल होगा तो उसमें भी निकालोगे, देखो 16 ग्राम O2, दूसरा क्वेश्चन है 48 ग्राम O3, चौथा क्वेश्चन है 31 ग्राम P4, पांचवा क्वेश्चन है 32 ग्राम S8, नवा क्वेश्चन है 7.8 ग्राम C6H6, सातवां क्वेश्चन है 3.65 ग्राम HCl, आठवां क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl, नवा क्वेश्चन है 34.2 ग्राम C12H22O11, दसवां क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया। मैं आपको फिर से तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा कि एटम्स कैसे निकालोगे, देखो ये एटम्स तो है नहीं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे भाई, मॉलिक्यूल्स हैं तो एक से ज्यादा एटम होंगे, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे, मोल के बाद क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल निकालोगे, और मॉलिक्यूल के बाद देखोगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तो इसमें कितने एटम हैं, दो एटम है, दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें तीन से, इसमें चार से, इसमें आठ से, इसमें बारह से, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस प्यारे से सेशन में जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने सीखा, उसको आप आगे अप्लाई कर पाओगे, आगे आने वाली केमिस्ट्री के जितना भी पार्ट होगा, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जहां से हम शुरू करेंगे कंसंट्रेशन टर्म,
मोलारिटी मोलालिटी ये पढ़ेंगे ना, नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी पीपीएम पीपीबी कंसंट्रेशन ग्राम पर मोल, जितना भी कंसंट्रेशन का टर्म है सब में मेरे भाई क्या यूज होने वाला है, सब में क्या यूज होगा, मोल यूज होगा। इसलिए मैं आपको मोल के इतने सारे क्वेश्चंस करवाए, इतने सारे टॉपिक्स, इतनी सारी कैटेगरीज बताई कि कोई भी किसी भी प्रकार से पूछे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बाकी हम एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, ओके बाय, मिलते हैं फिर।